आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत समाचार के साथ मैं हूं स्नेहा। आज हजारीबाग में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत हेलमेट, सीट बेल्ट, गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस का जांच किया गया। हजारीबाग में दो पहिया वाहन चलाने वाले हेलमेट पहने यदा कदा ही दिखेंगे। पुलिस ने यह जांच अभियान चलाकर न सिर्फ लोगों को सजग करने का प्रयास किया, बल्कि चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के काफी सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, इसमें है कि सड़क के सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब भी चलें दोपहिया वाहन से तो हेलमेट लगा कर चलें, विधिवत अपना जो है तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रखें, कागजात रखें, और ट्रिपल राइडिंग से परहेज करें। ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल रोक लगाई जा रही है, ट्रिपल राइडिंग नहीं चलें, रैश ड्राइविंग नहीं करें। दोपहिया वाहन के लिए ये निर्देश है, और ये चरपहिया वाहन के लिए है कि सीट बेल्ट लगा कर ही ड्राइविंग करेंगे, ताकि उनकी सुरक्षा, चालक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वो जो दुर्घटना हो तो कम से कम हेलमेट रहे तो उनको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो सके, एक ये हुआ। दूसरी बात है कि सड़क हजारीबाग शहर में जाम की स्थिति को देखते हुए सारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है सड़क को, ताकि सड़क पे जाम ना हो सके शहर के अंदर। इसी कड़ी में जो है सो अभी नो एंट्री की व्यवस्था की गई है कि शहर में बड़े मालवाहक वाहन जो है शहर में प्रवेश नहीं कर पाएँ, इसलिए चिन्हित करके 7 स्थानों को ऐसे स्थान चिन्हित किया गया है जहाँ से भारी मालवाहक वाहन शहर में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक प्रवेश नहीं करेंगे। टोटो के कारण सर जाम बहुत ज़्यादा होता है, टोटो के लिए क्या नया रूट बनेगा? इसके लिए DTO साहब भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, वो अभी कुछ बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो भी टोटो चल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उसके बाद उनके परमिट की व्यवस्था की बात हो रही है, चल रही है कि उनको निर्धारित रूट दिया जाएगा कि उसी रूट में चलें। इस संबंध में DTO साहब के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं, सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। निर्धारित स्थल जो चिन्हित किए गए हैं, 19 पार्किंग स्थल पूरे शहर में चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पार्क करेंगे, चालक जो है सीट बेल्ट लगाएंगे, यही सब किया गया है। मुख्य रूप से हम लोग जो है शहर में देखा जाता है कि स्कूली छात्र भी दोपहिया वाहन से विद्यालय जाते हैं, उसमें क्या कार्रवाई होती है? चालान की व्यवस्था है वो तो होती है, हम अभिभावक को हम लोग सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं कि पहले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग स्कूल में भी जाकर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि हेलमेट पहनना केवल उनकी सुरक्षा की बात है, ना कि ये कोई पुलिस के विरुद्ध कोई अपराध है या पुलिस के उसके फायदा है। वो हेलमेट पहनेंगे उनकी सुरक्षा है, इसके लिए उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा करें, हेलमेट पहनें। स्कूल में भी इस तरह का चलाया जा रहा है कि जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। ये भी किया जा रहा है कि नाबालिग लोगों को भी मोटरसाइकिल या ये नहीं चलाएं, गाड़ी न चलाएं, इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।